बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। विश्वकन्या किस्त नंबर 2। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन देवा की खूनी आवाज़ उभरी। नहीं, मैंने जीवन भर सरदार की सेवा की है, तुम लोग भी सरदार की सेवा कर रहे हो। सरदार ने मेरा भरम नहीं रखा। कौन सा खंजर मार दिया था मैंने इसकी छाती में कि उसने मुझसे इतना खौफनाक बदला लिया। नहीं सांजू, नहीं। लेकिन अब सांजू कुछ सुनने की कैफियत में नहीं रह गया था। उसकी रूह कब से जहाँ से परवाज़ कर चुकी थी। देवा ने महसूस किया कि वो मर गया है, लेकिन इसके दिल में रहम का कोई जज्बा नहीं उभरा। देवा ने सांजू के लिबास को देखा। उसकी कमर में लगी हुई पेटी में वो लंबी चाबी लगी हुई थी, जिससे कैद खाने के ताले के दरवाजे को खोला जा सकता था। उसने वो चाबी सांजू की पेटी से निकाली और फिर इसके बदन को ज़ोर से धक्का दे दिया। सांजू बेजान बदन दूर जा गिरा था। उसके बाद देवा झुककर चाबी से ताला खोलने की कोशिश करने लगा। उसने अपना हाथ कंधे तक सलाखों से बाहर निकाल लिया था, दूसरे हाथ से उसने बड़ा सा ताला पकड़ लिया था। कुछ लम्हों के बाद ताले ने मुंह खोल दिया। देवा ने उसे उतारा और एक तरफ डाल दिया। ना जाने कितने अरसे के बाद वो सलाखों के इस दरवाजे से बाहर निकला था। सामने ही एक और गार नज़र आ रहा था, लेकिन हैरत की बात थी कि इस गार में इस वक्त और कोई नहीं था। देवा की आंखों में सुरख चादर फैली हुई थी, इस वक्त इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यह अच्छा ही हुआ था कि पहरेदार बारिश का मज़ा लेने के लिए गार की नक्काशी के दरवाजे पर मौजूद नहीं थे और ऊपर चले गए थे। देवा ने सांजू के लिबास से रिवॉल्वर निकाला और कारतूस की पेटी भी निकाली, और इसके बाद वो बड़ा हुआ रिवॉल्वर लेकर गार की गहराइयाँ तय करने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो ऊपर पहुँच गया। ऊपर उसे पहरेदार नजर आए जो गलबन तंबाकू पी रहे थे। उन्होंने देवा को देखा और उनके चेहरे हैरत से फैल गए। देवा ने सर्द लहजे में कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देवा देवा, तू आजाद कैसे हो गया? पकड़ो इसे, पकड़ो। दोनों फुर्ती से देवा की जानी बढ़े तो दाएं दाएं की आवाजें आने लगी और इनके सीने से खून उबल पड़ा। मेरी माँ इस संसार में नहीं है तो अब इन संसार से कोई भी चले जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, देवा ने कहा। उन्हें इसी तरह छोड़कर ऊपरी दरवाजे से बाहर निकल आया। तूफान गरज रहा था, बालों की खौफनाक गड़गड़ाहट के कड़ाके माहौल को लरजा रहे थे। इनमें एक बेहाना गूंज फैली हुई थी। देवा ने खूनी निगाहों से बस्ती के टमटमाते चिरागों को देखा और उधर का रुख इख्तियार कर लिया। वो बड़ी रफ्तारी से चल पड़ा। उसने हतरमकान कोशिश की थी कि कारतूस पीघने ना पाए और रिवॉल्वर इसके लिबास में महफूज रहे, लेकिन बारिश जिस अंदाज की हो रही थी इससे लम्हों के अंदर अंदर इसके पूरे बदन में पानी बहने लगा। लेकिन इसके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी, वो किसी को खातर में नहीं ला रहा था। रास्ते में बहुत से गड़े नजर आए, लेकिन वो इनसे बचता हुआ हड़कार बस्ती के सिरे पर पहुंच गया जहां से बस्ती में दाखिले का रास्ता था। अब इसे बहुत से फैसले करने थे। इसे मालूम था कि शमशान घाट कहाँ है। पहले इसके कदम शमशान घाट की तरफ उठ के और बस्ती के एक महसूस गोशे में मौजूद शमशान घाट पहुँच गया। जली हुई राखों के ढेर पानी में बह रहे थे और जगह जगह ये राख पड़ी हुई थी। वो झुका, चमकती बजे की रोशनी में शमशान घाट का जायजा लेता रहा। अगर इस वक्त कोई माँ का लाल शमशान घाट में दाखिल होता, इसके पास पहुंचता तो इसके बीचों बीच देवा को देखता, शायद इसकी धड़कन बंद हो जाती। देवा चारों तरफ देखता रहा, फिर नीचे झुका, जमीन पर दोनों हाथ टिकाए और बहने वाली राख दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे पर लगा ली। फिर इसकी आवाज़ उभरी, माँ मैं नहीं जानता कि तेरी चिता किस तरफ जलाई गई थी, तेरी राख किधर बह रही है, मगर आत्मा का कोई आस्थान नहीं होता। माँ मुझे माफ़ कर देना, तेरे बेटे ने तेरी चिता को आग नहीं दिखाई। माँ मेरा दोष नहीं था, गंगोत्री ने अपनी बेटी के लिए मुझे कैद खाने में डाल दिया। मेरा जुर्म, मेरा दोष इतना बड़ा तो नहीं था जितनी बड़ी सजा गंगोत्री ने मुझे दी। मैंने गंगोत्री से हमेशा नमक हलाली की है। मैं जानता हूँ मेरे बाप ने भी गंगोत्री के परिवार की सेवा की है, मगर गंगोत्री ने अच्छा नहीं किया। मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना। उसने दोनों हाथ सीने से लगाए और वापस पलट पड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि गंगोत्री का घर किस तरफ है। रास्ता तय करके वो गंगोत्री के घर के पिछले हिस्से पर पहुंच गया। अस्तबल के सामने से गुजरा तो इसे घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम रुक गए।
ये राजा बंसी की आवाज़ थी। देवा इस घोड़े की देखभाल करता था। राजा बंसी ने इसे फौरन पहचान लिया। देवा के कदम रुक गए। एक लम्हे था वो कश्मकश का शिकार रहा, फिर घोड़े की तरफ चल पड़ा। अस्तबल के पास से एक चारपाई नजर आई उसे, जिस पर कोई सो रहा था। यकीनन यह अस्तबल का मुहाफ़िज़ था, वरना किसी और के इस जगह सोने की कोई वजह नहीं थी। देवा कुछ लम्हे कश्मकश का शिकार रहा। दूसरी तरफ घोड़ा बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था। वो इसके करीब आना चाहता था। देवा को भी इसे प्यार था। माँ की मौत के बाद जिंदगी सही से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। अगर कुछ होता है तो हो जाए। चुनाचा वो आगे बढ़कर राजा बंसी के पास पहुँच गया। बेजुबान जानवर उससे अपने मुताबिक प्यार का इजहार करने लगा। देवा भी बेख्तियार हो गया। इसने घोड़े को खूब प्यार किया, इसका सर सीने से लगाया, फिर सीधा खड़ा हुआ तो चंद कदम के फासले पर अस्तबल के मुहाफिज को खड़ा पाया। मैंने तुझे पहचान लिया देवा। पहले मैं समझा कि कोई चोर है जो इस कीमती घोड़े को चुरा कर ले जाना चाहता है, लेकिन घोड़े का तुझसे और तेरा घोड़े से प्यार देखकर मैंने पहचान लिया कि तू देवा है। तू तेवाड़ी है ना? देवा ने कहा। हाँ रे, इस तरह क्यों पूछ रहा है? और हाँ, बरसों से तू कहाँ चला गया था? अपनी माँ से रूठ कर गया था ना? अपनी माँ की मौत पर भी नहीं आया। कैसा कठोर है तू देवा, कहाँ चला गया था? नरक यात्रा पर गया था, देवा ने कहा और हंस पड़ा। नरक यात्रा? वो क्या होती है? तेवाड़ी ने हैरानगी से कहा। तू जाना चाहता है? अरे नहीं देवा, मालिक हमें कहाँ छोड़ेंगे, वो तो घूमते फिरते रहते हैं। इन दिनों सुना है यात्रा पर गए हुए हैं, अब तो बड़े दर्मी हो गए हैं। देवा चौंक पड़ा। उसने परेशानी से पूछा, सरदार गंगोत्री घर पर नहीं है क्या? कहाँ, महीना हो गया है, अक्सर यात्राओं पर जाते रहते हैं। जब से दयाल बागा का देहांत हुआ है, चंद्रमुखी बेवा हुई है, सरदार का मन बड़ा नरम हो गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। चंद्रमुखी बीन के साथ गई है? नहीं नहीं, वो नहीं गई। पूरे दिनों से बेचारी, एक तो विधवा, दूसरी माँ बनने वाली है, एकदम बिपता पड़ी है बाप बेटी पर। पर छोड़ इन बातों को, तू बता क्या जेल हो गई थी तुझे? कहाँ गायब हो गया था तू? सारी बस्ती वाले हैरान थे कि माँ इतनी बीमार है और बेटा गायब है। किसी ने सरदार से नहीं पूछा मेरे बारे में? पूछा था, फिर सरदार ने क्या कहा? वो बेचारा क्या कहता, बस यही कि अपने कर्मों का फल भुगत रहा होगा। सबसे ज़्यादा इस हैरत इस बात पर हुई कि तू अपनी माँ की मौत पर भी नहीं आया और ऐरों गैरों ने इसकी चीता को आग लगाई। आखिर हुआ क्या था? क्या बिपता आ पड़ी थी तुझ पर? बिपता ही पड़ी थी तिवारी, इसे पूछ कर थोड़ी आता है, कौन जाने कब कोई मुश्किल पड़ जाए। मेरी समझ में नहीं आता, तिवारी ने गर्दन हिलाकर कहा। मैं समझाता हूँ कि बिपता कैसे पड़ती है, देवा ने कहा, और अचानक किसने तिवारी पर हमला कर दिया। दो तीन मुक्कों ने तिवारी को बेदहुआसा कर दिया और कुछ देर बाद वो साकत हो गया। मेरे दिल में अब किसी के लिए कुछ नहीं रह गया तिवारी, मैं तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, मगर अब गंगोत्री अपने कर्मों का फल भुगतेगा। देवा ने झुक कर तिवारी की बगलों में हाथ डाले और इसे घसीटता हुआ एक तरी गोशे में ले गया। यहाँ आकर इसने तिवारी की कमीज उतारी और इसे दरमियान से फाड़ कर इसके दोनों हाथ पीछे कस दिए, बाकी कपड़ा इसे तिवारी के खलक में ठूंस दिया। इस काम से फारग होकर वो वापस पलटा तो राजा बंसी ने फिर आवाज़ निकाली। कुछ सोचकर वो दोबारा राजा बंसी के पास आकर बोला, आज पहली बार मुझे तुझसे काम आ पड़ा है राजा बंसी, तुझे मेरा साथ देना होगा। वो घोड़े की पीठ थपथपा कर अस्तबल से बाहर निकल आया और चोरों की तरह आगे बढ़ने लगा। इसे मालूम था कि चंद्रमुखी कहाँ मिल सकती है। बड़े बाग वाला था सरदार गंगोत्री के यात्राओं को निकल गया था, अगर यहाँ होता तो कौन जाने क्या हो जाता उसके साथ। बारिश अब भी हो रही थी, बारिश बादल और बिजली का जोर टूट गया था, इसके पूरे बदन से पानी बह रहा था। बदन पर झूलते चीथड़े बदन से चिपके हुए थे, लेकिन इस वक्त वो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज था। बारिश की वजह से हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। इसे इस जगह तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहाँ चंद्रमुखी मौजूद थी। वो एक जरनिगार चपरकट पर गहर नींद सो रही थी। गंगोत्री ने हमेशा इसे शहजादी बना कर रखा था, इसकी शादी भी बड़ी धूम से हुई होगी और इसके पति को जीवन नहीं दे सका।
और अब वो दोहरी मुश्किल का शिकार थी, पति की मौत का दुख और ऊपर से मां बनने की मुश्किल। गंगोत्री और इसकी पत्नी ने अपने तौर पर इसे हर सहूलत दी थी, मगर इसका गम कौन बांट सकता था। आकार देवा इसके सर पर पहुंच गया। रंगीन क्षमादानों में एक क्षमादान रोशन थी और उसकी नीली रोशनी खूबसूरत चंद्रमुखी के चेहरे का अहाता किया हुआ था। देवा इसके सामने खड़ा होकर इसे देखने लगा, फिर इसके होंठों से मध्यम आवाज निकली, तू अब भी इतनी सुंदर है चंद्रमुखी, मगर मेरी आंख बदल गई है। नफरत और मोहब्बत के बीच थोड़ा सा फासला होता है। तेरी वजह से मेरी माँ मुझे याद करते करते मर गई। इसके बाद तुझे प्रेम की निगाह से देखना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। चंद्रमुखी शायद वो चुकन्नी सोने की आ थी। इस मध्यम सिंबड़बड़ाहट से वो जाग गई। पहले इसने मखमूर आंखों से इधर उधर देखा और फिर इसकी निगाह देवा पर पड़ी और वो बुरी तरह से उछल पड़ी। देवा मुस्कुराकर बोला, चीखना चाहती हो तो चीख सकती हो, मैं तेरा मुंह बंद नहीं करूंगा। हाँ, जो तुझे बचाने आएगा वो जीता नहीं जाएगा। तू देवा है ना, चंद्रमुखी ने कहा। पहचान लिया ना तूने मुझे चंद्रमुखी? हाँ मैं वही हूँ। बड़ी जालिम है तू, अपने पिता की तरह कभी तूने सोचा नहीं कि संसार में इंसान एक जैसे होते हैं, किसी को दूसरे इंसान को जानवर समझने का अधिकार नहीं होता। तू यहाँ क्यों आया है? चंद्रमुखी संभल कर छप्परकट पर बैठ गई। तेरे चरणों में जीवन देने। देवा आगे बढ़ा और इस तरह चंद्रमुखी के सामने झुका जैसे इसके पैर छूना चाहता हो। चंद्रमुखी ने यही समझ कर पाँव समेटे थे, लेकिन दूसरे लम्हे देवा के दोनों हाथों की उंगलियां इसकी नाजुक गर्दन पर लिपट गईं। चंद्रमुखी ने अपने कमजोर हाथों से इसकी कलाइयां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये ठस से मस ना कर सकी। फिर इसने आंखें मोड़ ली, वो बेहोश हो गई थी। देवा ने इसकी बेहोशी को महसूस किया, फिर बड़ी बेदर्दी से इसे उठाकर कंधे पर डाल लिया। इसे चंद्रमुखी के वजूद की तब्दीलियों का कोई एहसास ना था और ना इसके मामू से ज्यादा वजन की कोई परवाह थी। वो इसे लिए हुए आसानी से बाहर निकल आया। बारिश अब बहुत हल्की हो गई थी। इसे देवा की इस कामयाबी में बारिश का भी बड़ा हाथ था, वरना शायद ये सब कुछ इतना आसान ना होता। चंद्रमुखी को कंधे पर डाले वो दोबारा स्टबल आया और इसने राजा बंसी को खोल दिया। फिर इसे स्टबल की छत से बाहर लाया और फिर इसे चंद्रमुखी को घोड़े की पीठ पर डाल दिया। इसके बाद इसने इसकी गर्दन की रस्सी पकड़ी और पैदल चलकर बाहर गली में निकल आया। कुछ दूर पैदल चलकर उसने खुद को संभाला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। इसके बाद इसने राजा बंसी से कहा, ख्याल करना बंसी, बस्ती से खामोशी से निकलना है, मुंह से कोई आवाज़ मत निकालना। घोड़े ने जैसे सब कुछ समझ लिया, लेकिन बस्ती से बाहर आकर संगलाक और बारिश से भीगी हुई चट्टानों वाले मैदान में घोड़े ने अपना फन दिखाना शुरू कर दिया। चट्टानों में बहने वाले पानी की परवाह किए बगैर बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगा। सारी रात घोड़ा दौड़ता रहा। सुबह उजाले की पहली किरण ने एक नदी का किनारा दिखाया था। बरसाती नदी थी जो पहले दिन की बारिश से मस्त हो गई थी और इस वक्त खूब शोर मचाती हुई बह रही थी। इसके किनारे लंबी लंबी घास और दरख्तों की बहुतात थी। घोड़े की रफ्तार सुस्त हुई। आखिरकार वो नदी से कुछ फासले पर डूब गया और इंतजार करने लगा कि इसका साइज इसके फैसले से इत्तफाक करता है या इख्तलाफ। लेकिन देवा को भी अंदाजा हो गया था कि वो अब गौतम सिरे से काफ़ी दूर निकल आया है। अगर सुबह की रोशनी में हकीकत से वाकफ होकर इसे तलाश करने वाले उधर का रुख भी तैयार कर लें तो शायद शाम से पहले यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। चुनाचे इसने घोड़े से इख्तलाफ नहीं किया, खुद भी घोड़े से नीचे उतर गया। फिर इसे चंद्रमुखी की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसकी आवाज़ उभरी, मैं होश में हूँ, खुद नीचे उतर आऊँगी। वो खुद को घोड़े पर संभालने लगी। घोड़े की सवारी से वाकफ थी इसलिए नीचे उतर गई, लेकिन इसके चेहरे पर शदीद कलब के आसार थे। नीचे उतर कर इसे इधर उधर देखा और फिर एक जगह गनी घास देकर उधर जा बैठी। देवा ने एक निगाह उसे देखा और फिर घोड़े की गर्दन थपथपाने लगा। उसने अपने पुराने दोस्त की गर्दन से रस्सी निकालकर इस पर एतमाद का इजहार किया था। घोड़े ने नदी के किनारे जाकर पहले थोड़ा सा पानी पिया और सारी रात सफर की प्यास बुझाकर अपनी पसंद की घास तलाश करने लगा। इस पर चंद्रमुखी की आवाज़ उभरी, देवा। देवा ने उसे देखा और फिर इसे कुछ फासले पर एक दर से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी बात सुनोगे? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? तुम्हारे अंदाज में जो जिंदगी है ना, इससे अंदाजा होता है कि तुम मुझे खत्म कर देना चाहते हो। देवा चुपती आंखों से चंद्रमुखी को देखने लगा और फिर बोला, तुमने तो कहा था कि दो तीन दिन इसे भूखा प्यासा बांध रखो और इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। देख लो मैं अब तक जिंदा हूँ चंद्रमुखी, ना जाने क्या कह रहे हो। मेरी माँ मेरे लिए तड़प तड़प कर मर गई, तुमने मुझे आज़ादी नहीं दिलाई।
सिर्फ इसलिए कि बासुरा देवा को खूबसूरत चंद्रमुखी अच्छी लगी थी, फिर दरिंदा कौन हुआ? तुम्हें बस मेरे अंदर की दरिंदगी नजर आई है। चंद्रमुखी के चेहरे पर एक उलझन सी नजर आई, फिर इसने खौफ सदा सी आवाज में कहा, तुम कैद में थे? तुम्हें यह भी याद आ रहा कि तुमने अपने सालम बाप से मेरी शिकायत की थी? तुम अपने सरदार के बारे में ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? और इस जुल्म के बाद तुमने मेरी माँ की खबर भी ना ली। कौन दरिंदा है चंद्रमुखी? मेरी माँ देवा देवा पुकारती मर गई और तुम्हें अपना जुल्म याद भी नहीं आया। अब तुम सिर्फ ये कहोगी कि देवा मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चंद्रमुखी ने गर्दन झुका ली। जिस हालत में वो थी इसमें रात भर घोड़े का सफ़र इसके लिए बड़ा जानलेवा था। वो शदीद तकलीफ का शिकार थी और देवा को बुरा भला कहना चाहती थी, लेकिन देवा कुछ क्या जो कुछ कह रहा था इसने चंद्रमुखी को भी लर्जा दिया था। इसे नहीं था मालूम कि देवा मुसलसल कैद में रहा है। वो इस कैद की वजह भी नहीं जानती थी। इसने तो बस इसलिए बाप से शिकायत की थी कि देवा आइंदा इसे बदतमीजी ना करे, और जब देवा कभी दोबारा उसके सामने नहीं आया तो वो यही समझी कि वो डराकर होश में आ गया है। कुछ वक्त के बाद शिद्दत तकलीफ से कराती हुई जमीन पर लेट गई। देवा ने निगाह बाहर कर उसे देखा भी नहीं था। वो दरख्त से पीर लगाए सोच में डूबा रहा था। सूरज निकल आया और दूर दूर के मनाजर रोशन हो गए। देवा ने अपनी जगह से उठकर दूर दूर तक नजरें दुराई और फिर एकदम चौंक पड़ा। जिस इलाके में वो निकल आया था इसके बारे में इसे कुछ नहीं मालूम था। सांपों की तलाश के सिलसिले में भी वो कभी इस तरफ नहीं आए थे। इस पर देवा ने जो कुछ देखा वो काफ़ी हैरानकुन था। सिर्फ 200 गज के फासले पर एक पक्की सड़क नजर आ रही थी। सड़क पर एक लंबी सी गाड़ी खड़ी थी और देवा और चंद्रमुखी से कोई 50 गज के फासले पर थी। दूर एक जवान आदमी हाथ में टीन का डब्बा लिए नदी की तरफ आ रहा था। गलबों में वो गाड़ी के लिए पानी लेने आया था। देवा ने घबराई हुई नजरों से थोड़े फासले पर घास पर नीम मुर्दा सी कफियर में पड़ी चंद्रमुखी को देखा और कुछ फासले पर घास चरते हुए राजा मंसी को देखा। वो खुद को कहीं भी छुपा सकता था, लेकिन इन दोनों को छुपाना इसके लिए मुमकिन नहीं था। जवान आदमी इनसे कोई 20 गज के फासले पर आकर रुका। उसकी निगाह घोड़े पर पड़ी और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसकी आवाज़ उभरी, कोई है यहाँ? देवा ने घबरा कर चंद्रमुखी की तरफ देखा जिसने ये आवाज़ सुन ली थी और एकदम कसमसाने लगी थी। कोई है तो आवाज़ दे, यहाँ कोई है? नौजवान ने फिर कहा और देवा खुद को किसी मार्ग के लिए तैयार करने लगा। अपनी दास्त में वो गौतम सीढ़ी से काफ़ी दूर निकल आया था और यहाँ से भी आगे जाना चाहता था। इसे इस बात का गुमान नहीं था कि इस तरह कुछ अजनबियों से इसका वास्ता पड़ जाएगा। वो सड़क पर खड़ी गाड़ी के पास इसे अब कुछ और लोग भी नजर आ रहे थे। वो सोच रहा था कि बात बिगड़ गई है। पानी के लिए आने वाले नौजवान अब भी हर तरफ नजरें दौड़ा रहा था। तभी देवा ने चंद्रमुखी को उठकर बैठते हुए देखा। वो इस नौजवान पर नजर जमाए हुए थी और शायद चीखने के लिए तैयार थी। देवा की निगाहें बगौर चंद्रमुखी पर जमी थी। उसका ख्याल था कि वो चीखेगी और वो जवान उसकी तरह मुतवज्जा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अगर वो अकेला होता तो देवा इसे जंग कर लेता, इसे बेहोश कर देता, लेकिन इसके बाकी साथियों का इससे बहुत ज़्यादा फासला तो नहीं था। इतनी बड़ी रफ्तारी से देवा चंद्रमुखी समेत यहाँ से फरार हो सकता था। चंद्रमुखी भरपूर मुदाफ़त करेगी और इसकी कोशिश यही होगी कि लोगों को अपनी तरह मुतवज्जा करके देवा से निजात हासिल कर लें। लेकिन चंद्रमुखी नहीं चीखी बल्कि नौजवान में खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। इसे इस माहौल की पुरसरारियत का एहसास हो रहा था। दफ्तर इसने दरिया के किनारे छलांग लगाई, हाथ में पकड़े हुए डब्बे को पानी में डुबोया, इसे बहकर नदी से वापसी के लिए दौड़ा। देवा को इसकी बदहुआसी पर हंसी आ गई, लेकिन अब ये मौका मिला था तो इसे फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी था। नौजवान अपने साथियों के पास पहुंचकर इन्हें सूरत हाल बताएगा, वो सब इधर दौड़ पड़ेंगे क्योंकि उनकी तादाद अच्छी खासी थी। देवा के बदन में बिजली सी तेज़ी आ गई। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और चंद्रमुखी के पास पहुँच गया। खड़ी हो जाओ चंद्रमुखी, खड़ी हो जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल चले, जल्दी करो। चंद्रमुखी हैरत अंगेज तौर पर कुछ कहे बगैर खड़ी हो गई। देवा ने हल्की सी सीटी पर जाकर घोड़े को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और घोड़ा फुर्ती से उसके पास पहुंच गया। उसने चंद्रमुखी को सहारा देकर घोड़े की पुश्त पर बैठाया और फिर खुद इसके पीछे बैठ गया। इसके बाद इसने घोड़े को बिल्कुल ही मुहालफ समत तुड़ा दिया। घोड़े की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। मंजर बदल गया था। दरिया के मुखालफ समझ चलता हुआ देवा वहाँ से काफ़ी फासले पर आ गया। अब वो सड़क दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। एक ऐसी जगह से देवा ने दरिया पार किया जहाँ दरिया की तह नज़र आ रही थी
और वहाँ से इसके बहने की रफ्तार भी बहुत मामूली सी थी। जानदार गौर ने बड़ी आराम से दरिया अबूर कर लिया था, इसके बाद वो जंगल में आगे बढ़ता रहा। देवा कई बार सांपों को पकड़ने के सिलसिले में इस तरह के इलाकों में सफ़र कर चुका था। इसे अंदाज़ा हो रहा था कि दरिया दूर भी कहीं पानी वगैरह का कोई वजूद हो सकता है। ज़मीन पर फैली हुई घास इस बात की तरफ इशारा कर रही थी। बहरहाल देवा चलता रहा। कोई 2 घंटे तक इसने सफ़र किया तो चंद्रमुखी की आवाज़ उभरी। देवा, बहुत दूर निकल आए हैं हम, अब रुको, मुझे उतार दे। मैं तेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया, तेरी बात मान ली और तुझे खतरे से निकाल लिया। चंद्रमुखी के अंदाज में नरमी थी और कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे देवा को ये ख्याल हुआ कि चंद्रमुखी इसके साथ अदम तावन कर रही है। चनाचा वो एक घने सायेदार दरख्त के नीचे रुक गया। इसने सहारा देकर चंद्रमुखी को घोड़े से उतारा। चंद्रमुखी जमीन पर लेट कर आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है देवा, मैं अपनी ज़ुबान से तुझसे क्या कहूँ, थोड़ा बहुत समझ तू देवा। देख देवा, तेरी मुझसे दुश्मनी है लेकिन मेरे साथ जो वजूद है इससे तेरा कोई झगड़ा नहीं। मैं बहुत शदीद तकलीफ महसूस कर रही हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन तू खुद सोच, एक बेगुनाह वजूद को अगर तेरे हाथों कोई नुकसान पहुँच गया तो क्या होगा। चंद्रमुखी, मैं इंसान कहाँ हूँ जो मेरे दिल में शराफत का कोई तसव्वुर उभरेगा। गंगोत्री बड़ा खुश नसीब था कि इस वक्त जब मैं इसे कत्ल करने और बदला लेने के लिए इसके घर में दाखिल हुआ तो वो कबीले से बाहर गया हुआ था और तूने बहुत मामूली सी बात में मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की। चंद्रमुखी, कोई किसी को अच्छा लगता है तो अपने दिल की बात इसे क्या ही देता है। मैंने तुझसे अपनी पसंद का सिला तो नहीं मांगा था, तूने मुझे दुनिया ही से दूर कर दिया। क्यों चंद्रमुखी, क्या मिला तुझे। मेरी माँ देवा देवा करती हुई मर गई। तुम लोगों ने मुझे मेरी माँ की शक्ल भी ना दिखाई, सिर्फ 4 लफ्ज़ों की इतनी सी बड़ी सजा दे दी तुम लोगों ने मुझे। चंद्रमुखी का सर झुक गया। हाँ देवा, मैं अपनी बेगुनाही की बात नहीं करूँगी। जिसे नुकसान पहुँच जाता है वो नुकसान को नुकसान ही की नज़र से देखता है। बस तू ये समझ ले कि मैं इस वक्त बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अपनी शर्मिंदगी को महसूस किया है मैंने। अगर मैं चाहती तो वहाँ चीख कर लोगों को अपनी तरह मतवजा कर लेती, मगर मैं जानती हूँ कि तुझे कोई नुकसान पहुँच जाएगा, इसलिए मैंने कोई आवाज़ मुँह से नहीं निकाली और खामोशी से तेरे साथ उठकर चली आई। लेकिन देवा, मेरे लिए नहीं, इस वजूद के लिए जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, मुझ पर रहम कर, बदले का ख्याल दिल से निकाल कर मुझे मेरी बस्ती पहुँचा दे। मैं कह दूँगी मैं खुद कहीं चले गई थी ताकि तुझे कोई और नुकसान ना पहुँचे। देवा, इसके बाद भी अगर तेरा दिल मेरी बात से साफ ना हुआ तो दोबारा मुझे उठा लाना या फिर वही मेरी गर्दन काट देना। देवा ने खून खान निगाहों से उसे देखा और रुख बदल लिया। इसके दिल में इंतकाम की शदीद आग रोशन थी। काफ़ी देर तक चंद्रमुखी वहाँ आराम करती रही और इसके बाद देवा ने उससे कहा, उठ चल मेरे साथ। तेरी मेहरबानी देवा, मुझे अब भी दुख है कि मेरी वजह से तुझे इतनी शदीद तकलीफ पहुँची। चंद्रमुखी यही समझी थी कि देवा उसे उसकी बस्ती ले जाने के लिए तैयार हो गया है। देवा ने उसे घोड़े पर बिठाया और इसके बाद घोड़े को वहाँ से आगे बढ़ा दिया। चंद्रमुखी पर नीम गशी किसी कफियत आई थी। सारा दिन गुजर गया था, सारी रात गुजर गई थी। इन दोनों के मुंह में पानी का एक कतरा या हुआ का एक दाना भी नहीं गया था। चंद्रमुखी ने आंखें बंद कर ली और देवा के सारे सीने से सर टिका दिया। देवा घोड़े को आगे बढ़ाता रहा। इसके दिल में इस बार चंद्रमुखी के लिए कुछ भी नहीं था। माँ की मोहब्बत इसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा शदीद लग रही थी। शाम ढली और फिर रात हो गई। देवा का घोड़ा चलता रहा। जो वाक्य पेश आ गया था वो बड़ा ख़तरनाक था। इतने लंबे सफ़र के बाद भी वो आबादियों के करीब ही था, लेकिन अब वो यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाना चाहता था। वो सरदार गंगोत्री के बारे में अच्छी तरह जानता था। गंगोत्री जंगलों का बादशाह था। वो ऐसे तरीके तैयार करेगा अहंकार देवा को तलाश कर लेगा, क्योंकि इन रास्तों की इसे बड़ी पहचान थी। फिर आसमान पर चाँद निकल आया और काफ़ी फासले पर देवा ने एक टूटा फूटा खंडर देखा। चांदनी में ये खंडर बड़ा हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। देवा ने घोड़े का रुख इस तरफ कर दिया। रास्ते में 2-3 बार नीम गशी की इसी कफियत में चंद्रमुखी ने मुतलिफ नाम लेकर मुतलिफ लोगों को पुकारा था, लेकिन देवा के दिल में इसके लिए हमदर्दी की कोई लहर नहीं जागी थी। वो बस एक ही एहसास का शिकार था कि इसकी वजह से वो अपनी मनी हुई माँ की सूरत भी नहीं देख सका। कुछ लम्हों के बाद वो खंडर के पास पहुँच गया। ये कोई टूटा हुआ पुराना मंदिर था।
जो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। दूर दूर तक कोई और चीज नजर नहीं आ रही थी। खंडर में दाखिल होने के बाद उसने एक साफ सुथरी जगह देखी और घोड़े को वहां रोक दिया। यहाँ भी आसपास घास फूस मौजूद थी, दरख्त खार खाली नजर आ रहे थे। मंदिर बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रहा था। देवा ने सहारा देकर चंद्रमुखी को नीचे उतारा और उसने आंखें खोल दी। हम बस्ती पहुंच गया देवा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, चंद्रमुखी ने नीम गशी के आलम में कहा। देवा इसे सहारा दिया हुआ थोड़ा सा अंदर ले आया। मंदिर के पुख्ता सेन में पत्ते उड़ते फिर रहे थे। वैसे अंदर से ये जगह ज्यादा गंदी नजर नहीं आ रही थी। वहां एक कुआं भी था जो पक्का बना हुआ था। लकड़ी की एक मोटी सी शाख को किनारे पर गाड़ कर इसमें चरखी लगाई गई थी और इस चरखी में डोल और रस्सी भी नजर आ रही थी। देवा ने चंद्रमुखी को इसे थोड़े फासले पर पुख्ता जमीन पर लटा दिया और इसके बाद सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम इसने यही किया कि कुएं से पानी भरा और पानी भरने के बाद चमड़े के डोल को लिए हुए चंद्रमुखी के पास पहुंच गया। पानी पिएगी, इसने कड़क लहजे में कहा। चंद्रमुखी ने सहारा लेकर उठने की कोशिश की और फिर उठकर बैठ गई। जवाब देने की बजाय उसने मुंह खोल दिया। लो पानी पी ले, मैं तेरे हाथों में पानी डाल रहा हूँ। चंद्रमुखी ने अपने हमसर नरम नाजुक हाथों का प्याला बनाया और मुंह से लगा लिया। देवा डोल से इसमें पानी डालने लगा। ठंडा और मीठा पानी कुदरत का इंसानों के लिए बड़ा इनाम है। पानी पीकर चंद्रमुखी की हालत खासी बेहतर हुई। इसे पानी देकर अपने मुंह में डाला और फिर थोड़ा सा पानी अपने सर पर भी डाला और इसके बाद आके फाड़ फाड़ कर देखने लगी। ये गौतम सीढ़ी तो नहीं है। देवा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खुद भी पानी पीने की कोशिश करने लगा और जिस तरह भी बन पड़ा इसने अपने चेहरे और जिस्म को भिगोया और खुद थोड़ा सा पानी पीकर खांसी ने डाल सी कैफियत का शिकार हो गया। लेकिन वो चंद्रमुखी के पास नहीं बैठा। चंद्रमुखी अब पूरी तरह होशियार हो गई थी। कुछ लम्हों के बाद उसने आवाज दी, देवा। देवा ने निगाहें उठाकर उसे देखा तो चंद्रमुखी बोली, तू मुझे मेरी बस्ती नहीं लाया, तेरे दिल में अभी बदले की आग जल रही है। तू और तेरा बाप किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं है। मैंने तुझे पागलों की तरह नहीं चाहा था, मुझे तू अच्छी लगी थी और ये कोई ऐसी बात नहीं थी। किसी भी अच्छी चीज को अच्छा कह दिया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन इस जुर्म की सजा इतनी बड़ी, इतनी अजियतनाक दी मुझे, तुझे मालूम है कितनी बार ये बात मुझे बताएगा। देवा चल छोड़ इन बातों को और अब ये बता के तू क्या चाहता है, मेरी मौत? अगर मेरी मौत चाहता है तो मार दे मुझे, मैं कब मना कर रही हूँ। ऐसे नहीं, जैसे मैं सहता रहा हूँ वैसे ही तू मरेगी चंद्रमुखी, तुझे इस मासूम पर वजूद पर भी रहम नहीं आता। देवा जिसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, मुझे ये सजा क्यों दी गई? इसका सही जवाब दे दे तो मैं तेरी बाकी बातों पर गौर कर दूंगा। अफसोस इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, चंद्रमुखी ने अफसोदगी से कहा और खामोश हो गई। रात आहिस्ता आहिस्ता बहती रही और फिर सुबह की पहली किरण नुमादार हो गई। चंद्रमुखी ने जिस आलम में घोड़े का सफर किया था वह नुकसान का बाइस बनना ही था। सुबह को इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वह कड़ा रही थी। देवा ने उसे देखा और रुख तब्दील कर लिया। वो इंसान ही था लेकिन वक़्त ने उसे बहुत संगदिल बना दिया था। चंद्रमुखी ने उसे आवाज़ दी, देवा, और वो इसकी जान मुतवज हो गया। एक बात बताएगा मुझे, क्या इस तरह मुझे मरना होगा? मेरी मौत के लिए तूने यही तरीका अख्तियार किया है? बस पूछ रही हूँ तुझसे, कुछ कहूँगी नहीं। अगर तेरे अंदर ज़रा भी इंसानियत बाकी है तो कम अज़ कम इस वक्त तक दुश्मन की मदद कर ले जब तक वो ज़िंदा है। यहाँ बहुत से पत्थर पड़े हैं, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरे सर पर मार दे, मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तू यकीन कर, सबसे बेहतर है जिंदा रखना है तो मुझे कुछ खाने को दे। तूने कब से मुझे भूखा प्यासा रखा हुआ है? मेरे पास खाने को क्या रखा है? तो मुझे फिर मेरी बस्ती पहुंचा दे। तू दुश्मनी करना भी नहीं जानता। देवा ने खुनी निगाहों से उसे देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। कहा यह जाता है जब आंसू आंखों से निकलता है तो कैफियत जरा मुख्तलिफ हो जाती है, दिल का गुबार डल जाता है।
देवा के दिल का गुबार डला या नहीं, लेकिन ये बात इसके दिल में घर कर गई थी कि चंद्रमुखी को कुछ वक्त जिंदा रखना है। इसके लिए खुराक की तलाश ज़रूर की जाए। वो कुछ लम्हे सोचता रहा। ये इलाके इसके जाने पहचाने नहीं थे। ये टूटा हुआ मंदिर भी इसने पहले कभी नहीं देखा था। गौतम सीढ़ी इतने फासले पर था कि शायद ही कभी कोई सपेरा सांपों की तलाश में यहाँ आया हो। देवा ने मंदिर से बाहर निकलकर ऊंची जगह खड़े होकर चारों तरफ निगाहें दुराई। छोटे छोटे दरख्त अच्छी खासी तादाद में बिखरे हुए थे, लेकिन इनमें से किसी में भी फल नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता छोटे बड़े जानवर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। उसने और भी बड़े सारे दर्द देखे, लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं हो सकता था। चाचा उसने अपने घोड़े राजा बंसी का सहारा लेना मुनासिब समझा। थोड़े फासले पर जाकर कोई ऐसी जगह तलाश करे जहां फलदार दरख्त मिल जाए या कोई खाने पीने की चीज। इसने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल पड़ा और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ता गया। चारों तरफ निगाहें दुराने लगा। चंद्रमुखी के लिए इसके दिल में मोहब्बत थी कभी, लेकिन अब वो सिर्फ इससे इंतकाम का रिश्ता रखता था। अभी तक इसने ये नहीं सोचा था कि चंद्रमुखी को यहाँ लाकर अब करेगा क्या। फिलहाल इस खंडर में क्या मुनासिब था। वैसे इसके दिल में ये ख्याल था कि सरदार गंगोत्री अपनी बेटी के काम में पागल हो जाएगा। वो जानता था कि गंगोत्री चंद्रमुखी से बहुत मोहब्बत करता है। इसकी जुदाई इस पर क्या असरात मरतब करेगी। चंद्रमुखी यहाँ आकर गंगोत्री से दूर रहकर माँ की जान का बदला तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसे पहुँचने वाली अजियत ने इसके एहसास को सुकून मिला था। गंगोत्री अगर उसे मिल जाता तो वो यकीन इसे हलाक कर देता, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि इसकी हलाकत में वो मज़ा नहीं था जो अब बेटी की जुदाई में गंगोत्री की अजियत से हासिल होगा। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो काफ़ी दूर निकल आया। तब उसे एक ऐसी जगह नजर आई जहाँ कुछ दरख्त सर जोड़े खड़े थे। इनमें से कुछ के गोल गोल फल भी नजर आ रहे थे। दूर से ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन से फल हैं, लेकिन उसने घोड़े की पुश्त पर टोका मारकर उसे उन रस्तों पर जाने पर मजबूर कर दिया और कुछ देर के बाद रस्तों के करीब पहुंच गया। फल दरख्त में लगे हुए थे। इनकी हल्की हल्की बू दूर दूर तक फैली हुई थी। ये बू नाखुशगवार नहीं थी। देवा ने इन फलों के करीब पहुंच गया। फिर इसने घोड़े को एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और इसकी पीठ पर खड़े होकर वो फल तोड़े। 3-4 फल तोड़कर इसने इन्हें नाक के करीब करके सूंघा, फिर ये देखने के लिए कि उनका मज़ा कैसे है। उन्हें दांतों से काटा, लेकिन जैसे ही उसने एक फल को काटा अचानक इसे यूं लगा जैसे इसने अपने मुँह में तेजाब डाल लिया हो। ऐसी शदीद जलन हुई और ऐसा कड़वा मज़ा इसे अपने मुँह में घुलता हुआ महसूस हुआ कि इसकी आगे कड़वाहट का हर तसव्वुर ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही थी। उसे अचानक यूं लगा जैसे उसका हलक बंद हो गया हो। कोई बहुत ही जहरीला फल था। देवा के हवास गुम होने लगे। वो घोड़े की पुश्त से नीचे उतर आया। फल भी इसके साथ ही जमीन पर गिर गए थे। देवा जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। राजा बंसी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता इसने नीचे गिरे हुए फल को मुंह में लेकर दांतों से चुबाया और दूसरे ही लम्हे वो भी कई कई फुट ऊंची छलांगे लगाने लगा। अचानक इसने कलाबाजी खाई और इसका साथ दर्द के तने से टकराया। दूसरे लम्हे वो भी जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। उसकी आँखें फट गई थी और मुँह से सबर जाग बहने लगा। यही कैफियत देवा की थी। फल को इसने बस थोड़ा सा काटा ही था, चबा कर नहीं देखा था, लेकिन फल था कि क्यामत। देखते ही देखते देवा के मुंह से सब्ज रंग का पानी जारी होने लगा और इसके साफ जवाब दे के कुछ ही लम्हों के बाद वो बेजान हो गया। दूसरी तरफ घोड़ा जो इससे कुछ ज़रा जानदार था थोड़ी देर तक तड़पता रहा और इसके बाद इसकी लाश भी देवा की लाश के करीब नजर आने लगी। दोनों ख़त्म हो गए थे। सारी कहानियाँ इसी तरह लम्हों में ख़त्म हो जाती हैं। कोई नहीं जानता कि इसका अगला कदम इसे किस समत ले जा रहा है। उधर देवा जिंदगी की बाजी हार चुका था। सारे तूफानी जज्बे दरे के दरे रह गए थे। उधर चंद्रमुखी जिंदगी के बदतरीन अजाब से गुजर रही थी। वो शदीद कड़प के आलम में मंदिर की टूटी
اینٹوں کے درمیان بال کھا رہی تھی۔ شدید اذیت ہوتی تو ہاتھوں کے بال اٹھنے کی کوشش کرتی۔ اس کے منہ سے نیم گشن کے عالم میں نکلتا پانی، ہاں کوئی پانی پلا دے، وہ تھوڑا سا پانی، میں مر رہی ہوں، ہاں میں مر رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت آتی تو ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھتی، چند قدم کھسکتی اور اس کے بعد پھر نڈال ہو جاتی۔ دیوا اسے جس جگہ چھوڑ کر گیا تھا وہاں اس نے کوئی 10-15 گز کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن ٹوٹی پوٹی اینٹوں کے سوا وہاں کسی انسانی وجود کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جس جگہ وہ آ کر ٹکی تھی وہاں اینٹوں کے نیچے ایک بڑا سا سوراخ تھا جس پر چندرمکھی نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اس وقت کمر کے بال سوراخ پر لیٹی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنی پشت پر ایک شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے نیچے سے اس کی کمر میں چھڑا گھوم دیا ہو۔ اس کی حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ اب وہ تڑپ کر کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوراخ کی طرف دیکھا جس میں سے بڑی بار بار ایک کالے رنگ کے نانگ کا منہ نکل رہا تھا۔ ہاں مجھے سانپ نے ڈس لیا، بابا بابا مجھے سانپ نے ڈس لیا، مجھے بچا لو بابا۔ اس کے حلق سے دل دوست چیخیں نکلنے لگی اور اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے، وہ نیچے گر پڑی۔ پھر اس کے منہ سے نیلے رنگ کے جاگ بہنے لگے اور چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارجن سنگھ کھڑا جوان تھا اور اس کا شجاع نصب سیدھا سیدھا برتھوئی راج چوہان سے جا ملتا تھا۔ ارجن سنگھ زمانے کی مصیبتیں جھیلتا آ رہا تھا اور اس کی ماں ایک ننھی سی بچی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ باپ ٹھاکر دلیپ سنگھ کی حویلی کا خزانچی تھا اور اس کی تمام تر جائیداد وغیرہ کا حساب رکھتا تھا۔ نیک و شریف آدمی تھا، لیکن ٹھاکر دلیپ سنگھ کے بھائی کرم سنگھ نے جب لاکھوں روپے کا گبن کر لیا تو ارجن سنگھ کا باپ اس گبن کے سلسلے میں پکڑا گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ٹھاکر دلیپ سنگھ کو بتایا کہ ٹھاکر صاحب، میں برسوں سے آپ کا نمک کھا رہا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سارا انجام دے رہا ہوں، لیکن بڑے لوگ ایسی باتیں کہاں مانتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے رام سنگھ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور رام سنگھ نے اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکے اور آتم ہتیا کر لی۔ ارجن سنگھ کو چھوٹی بہن رادھیکا ورثے میں ملی اور رادھیکا کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ باپ کی موت کے بعد بستی والے اسے تحقیر امیز نگاہوں سے دیکھنے لگے تو ارجن سنگھ نے وہ بستی چھوڑ دی اور بہن کو سینے سے لگایا در بدر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخرکار اس نے ایک اور چھوٹی سی آبادی میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں بھی اسے ایک بڑے آدمی کے ہاں نوکری کرنی پڑی۔ یہ گربچن سنگھ تھا۔ گربچن سنگھ بھی ایک دولت مند زمیندار تھا اور زمینداری کے تمام گروہ سے آراستہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے ارجن سنگھ کی نوخیز بہن رادھیکا کو دیکھا تو اس پر مار مٹا۔ اس نے صاف لفظوں میں ارجن سنگھ سے کہا، ارجن رادھیکا کو ہماری حویلی میں بھیج دو، شہزادیوں کی طرح جیون بتائے گی، ہم تمہیں زمینیں دیں گے اور تم زمیندار کہلاؤ گے، تمہاری بہن کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سوچ لو، ہم سے سمجھوتا کر کے جتنے عیش میں رہو گے اتنے تم جیون بھر سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑی کاری ضرب تھی۔ راتوں رات ارجن سنگھ بہن کو لے کر نکل پڑا۔ وہ یہاں سے بھی دور چلے جانا چاہتا تھا، لیکن گربچن سنگھ بہت چلاک آدمی تھا۔ اس نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ ارجن سنگھ کو ایسا عمل نہ کرنے پائے۔ نتیجے میں اس کے گھڑ سوار ساتھیوں نے ارجن سنگھ اور اس کی بہن کو راستے میں جا لیا۔ ارجن سنگھ نے بہن کی حفاظت کے لیے بھرپور جنگ کی اور گربچن سنگھ کے چار آدمیوں کو شدید زخمی کر دیا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ارجن سنگھ پر قابو پا لیا اور اس کی بہن کو وہاں سے اٹھا لے گئے۔ ارجن سنگھ نے لاکھ فریاد کی لیکن کہیں سے اس کی نہ سنی گئی۔ گربچن سنگھ کے آدمیوں کو زخمی کرنے کے سلسلے میں اسے 3 سال کی سزا ہو گئی۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جان سے پیاری بہن رادھیکا کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، کہاں کھو گئی۔ 3 سال کے بعد جب اسے رہائی ملی تو وہ منتیں کرتا ہوا گربچن سنگھ کے پاس پہنچا اور اسے درخواست کی کہ اس کی بہن کو اسے ملوایا جائے۔ گربچن نے اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا اور کہا کہ اس کی بہن رادھیکا کافی عرصے پہلے کہیں چلے گئی ہے۔ ارجن سنگھ نے اپنی تمام تر کوششیں کی لیکن کہیں سے رادھیکا کا پتہ نہیں چل سکا۔ تب اس نے گربچن کی حویلی کو آگ لگا دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کا درد تھا۔ ہولیے بدل بدل کر وہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور بہن کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ تو ارجن سنگھ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ اس نے گوشہ نشینی تیار کر لی۔ اس گوشہ نشینی کے دوران اسے دھرم داس مہاراج ملے۔
महाराज धर्मदास ने उसे, जो नाग देवता के दास थे, उससे कहा कि अगर वो अपनी बहन का पता मालूम करना चाहता है तो शीश नाग को जगा ले। और शीश नाग को जगाने का अमल से महाराज धर्मदास ने बताया। शीश नाग को जगाने के लिए इसे किसी वीराने में जगह हासिल करना थी और वही मनी एक नाग बनाकर मंत्रों का जाप करना था। धर्मदास का कहना था कि मिट्टी का बनाया हुआ ये नाग आखिरकार इसके मंत्रों से जाग जाएगा और फिर संसार उसके कब्जे में होगा। अर्जुन सिंह ने जोगी ये तैयार कर ली। इसे जोगी बजरंगी का नाम धर्मदास ने ही दिया था। धर्मदास इसे छाप की पूरी जानकारी देकर खुद वीरानों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा और आखिरकार इसे एक वीराने में पनाह मिल गई। यहाँ इसने चकनी मिट्टी से एक सांप बनाया और इसके बाद धर्मदास का बताया और मंत्र पढ़ने लगा। इस वीराने में इसे बड़ा सुकून मिला था। जब भी इसे ज़रूरत की चीज़ दरकार होती वो एक लंबा सफ़र तय करके एक छोटी सी बस्ती जाता और वहाँ से खाने पीने की चीज़ें लेकर आ जाता। इसके बाद ये पुरसरार और वीरान मंदिर होता और वो रफ्ता रफ्ता यहाँ इसका दिल लग गया। बहन की याद आती तो आंसू बहा लेता वरना इस समोच दुनिया से कहीं और जाने को इसका दिल नहीं चाहता था। बाहर की दुनिया बड़ी जालिम थी। जो कुछ इसके साथ हुआ था इसे याद करता तो दिल चाहता कि सारी दुनिया को आग लगा दे। इसके बाद इन महसूस कर रह जाता अब पता नहीं राधिका कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी, जिंदा भी होगी या मर चुकी होगी। बस ये थोड़ा सा तसव्वुर इसके जहन में रहता था। इस वीराने में इसका दिल लग गया था। ये पुराना मंदिर इसकी दिल की तरह उदास था और खामोश था। कभी कभी इसका दिल चाहता कि इसके साथ यहाँ कोई हो जिससे वो बातें करे, जिससे वो अपने दिल की कहानी सुनाए। लेकिन ये इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं था। बस छोटे छोटे जानवर चूहे वगैरह भागते दौड़ते नजर आते थे। वो इनसे भी बातें कर लिया करता था, इनके लिए बिस्किट और दूध वगैरह लेकर आ जाता था। आज वो बस्ती से वापस आया, इसके पास सब्जियां और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें थीं। वो मंदिर में दाखिल हुआ, रास्ता तय करके अपनी मखसूस रिहायशगाह की तरफ चल पड़ा। मंदिर वैसे तो बिल्कुल खंडर बना हुआ था लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी सही सलम थे। इनके छतें भी मजबूत थी। सबसे खास बात यह थी कि इन कमरों में चूहे या दूसरे हशरातुल अर्ज़ नहीं आते थे। सबका अर्जुन सिंह और मौजूदा जोगी बजरंगी ने दो कमरे अपने इस्तेमाल के साफ कर लिए थे, जिनमें से एक को इसने पूजा घर बना रखा था और यही चकनी मिट्टी से उसने सांप का बड़ा सा मुजस्मा बना रखा था। और इसके सामने बैठ के धर्मदास का बताया हुआ मंत्र पढ़ता था और इसे यकीन था कि आखिरकार एक दिन शीशनाग जाग उठेगा और फिर इस संसार पर इसका राज होगा। वो इन जानवरों से चुन चुन कर बदला लेगा जिन्होंने इसकी राधिका इससे छीन ली थी। इन पर ऐसा हयात तंग कर देगा कि वो इस जैसे दूसरे इंसानों पर जुल्म ना कर सके। दूसरा कमरा उसने अपने आराम और दूसरी जरूरतों के लिए बना रखा था। इस टूटे फूटे कंडर की एक एक किरण से इसकी वाकफियत थी। जिधर भी कदम रखता हर शायद जानी पहचानी थी। रास्ते से गुजर तो वह एकदम एहसास हुआ खंडर में किसी अजनबी शहर का इजाफा हुआ है। जब इसने गौर से इस अजनबी शहर को देखा तो इसके रोंगटे खड़े होकर वो एक इंसानी वजूद था। जोगी बजरंगी कुछ लम्हों के लिए तो साकत हो गया लेकिन फिर तजस्सुस ने दूसरे एहसास से बेनियाज कर दिया। वो फुर्ती से कदम आगे बढ़ाकर इस इंसानी वजूद के पास पहुंच गया लेकिन करीब आके से एक और शदीद ज़हनी झटका बर्दाश्त करना पड़ा। दूर से नजर आने वाला वजूद एक नौजवान लड़की थी लेकिन इसके बदन की आड़ में एक और इंसानी वजूद भी था। ये एक नवाजीदा बच्ची थी जिसकी उम्र चंद घड़ियों से ज़्यादा नहीं थी। इसका रंग नीले आसमान की तरह नीला था और वह ज़मीन पर चत पड़ी हाथ पाँव मार रही थी। बच्ची भी अपना खूबसूरत थी लेकिन करीब बेहोश पड़ी इसकी माँ भी कम हंसी नहीं थी। बजरंगी की समझ में नहीं आया था कि क्या करे। औरत जिस हाल में पड़ी थी इसके तहत बजरंगी इसे छू भी नहीं सकता था। आखिर ये है कौन और यहाँ कैसे पहुँच गई। वह सब कुछ भूल कर इसके पास बैठ गया और इसने इसे ज़ोर से आवाज़ दी, बहन बहन जी खोश में आओ बहन जी। कोई आवाज़ ना पाकर उसने औरत के बाजू को चुनचोड़ा और जहाँ इसका हाथ पड़ा वहाँ गोश्त पिघले हुए मोम की तरह बहकर नीचे गिर पड़ा। बजरंगी उछल कर पीछे हट गया। उसने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा और बहुत अरसा गुजर गया था यहाँ और इसे मालूम था कि इस मंदिर में बेशुमार जहरीले सांप रहते हैं। इसने दर्जनों बार इन सांपों को करीब से गुजरते हुए देखा था लेकिन धर्मदास के बताए हुए मंत्रों ने जो शीशनाग को जगाने के लिए पढ़े जा रहे थे इन सांपों को भी इसके सामने सरंगू कर दिया था। जोगी बजरंगी ने इन सभी दोस्ती कर रखी थी। शुरू शुरू में तो ये सांप इस पर बुरी तरह पनकारते थे लेकिन मंत्रों की वजह से इसके करीब नहीं आते थे जिनमें वो दूर डाल दिया करता था। सांप इससे कुछ कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे लेकिन एक अजनबी वजूद को उन्होंने मश्के स्तंभ बना लिया था और ये बेचारी नौ उम्र माँ किसी इंतहाई जहरीले सांप का शिकार हो गई थी जिसके जहर ने लम्हों में इसका गोश्त गला दिया था। अब इसकी कैफियत यह थी कि इसके जिस्म के किसी भी हिस्से से पकड़ा जाए इसे
तो इसके बदन का सारा गोश्त वहीं का वहीं बह जाए। लेकिन यह बच्ची जिंदा थी और अपनी इंतहाई खूबसूरत आंखें खोलकर पटर पटर देख रही थी। इसके गहरे नीले रंग का राज भी शायद इस खौफनाक जहरीले सांप के जहर का नतीजा था जिसने इसकी माँ को डांस लिया था। मगर ये औरत कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? तहद निगाह नाकाबले अबूर रस्ते थे और बजरंगी ने आज तक किसी जी रूह को इस खौफनाक मंदिर के आसपास भी नहीं देखा था। फिर इस औरत ने यह सफ़र कैसे किया, वो भी इस आलम में? यकीनन इसके पीछे कोई राज है। मुमकिन है इसका कोई साथी आसपास मौजूद हो जिसके साथ ही यहाँ आई हो, लेकिन अब क्या किया जाए? मंजुरंगी ने इंसानी फ़र्ज समझकर सबसे पहले इस बच्ची को इसकी माँ से जुदा किया और इसे एक कपड़े में लपेट कर वहाँ से दूर कर दिया। वो इसे साथ लेकर अपने कमरे में आया और इसने इसे चिकनी मिट्टी से बने हुए शीशनाक के पास लटा दिया। इसके अकीदे के मुताबिक बच्ची यहाँ बिल्कुल महफूज थी और कोई शायद से नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। इसके बाद वो फिर बाहर आ गया और परेशानी से सोचने लगा कि अब इसे क्या करना चाहिए। यही ख्याल इसके जहन में जड़ पकड़ गया था कि माँ बनने वाली इस लड़की के साथ कोई ना कोई ज़रूर होगा जो कहीं आसपास ही होगा। बजगी अपनी बसात बार थोड़े थोड़े फासले पर जा जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा, कोई है? अगर कोई है तो जल्दी से मेरे पास आए। उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। इसकी निगाहें किसी इंसान की तलाश में भटक रही थी, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मंदिर इस दीवार देवा इस मंदिर से काफ़ी दूर निकल आया था जहां उसे वो दरख्त नज़र आए थे जिन्होंने इसकी जान ले ली थी, इसलिए वो बजरंगी को नज़र नहीं आया था। बहरहाल बजरंगी वापस आ गया, फिर इसे चंद्रमुखी की लाश के पास बैठकर उसे बगौर देखा और इसकी आंखों में राधिका की शक्ल आ गई। इसकी आंखें नम होंगी, तू आई भी तो यहाँ इस हाल में कि मैं तेरी कोई सेवा भी ना कर सका। ओ काश, ए काश तू जिंदा होती, जिंदा सलामत होती तो मैं तुझे अपनी राधिका का मुकाम दे देता, पर भगवान ने मेरे बाग में गम ही गम लिखे हैं। अब बता मैं क्या करूं, तेरा कोई पता निशान भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं पता चल सका कि तू यहाँ कैसे पहुंची। करता हूँ कुछ तेरे लिए, कुछ करता हूँ। फिर इसने फैसला किया कि औरत की लाश को जहाँ वो पड़ी है इस जगह लकड़ियाँ चुनकर इसकी चिता जला दी जाए। इसके मोम की तरह पिघले हुए बदन को तो अपनी जगह से हिलाना भी मुश्किल था। दफ्तर इसे बच्ची का ख्याल आया, इसे एक दफ़ा देख लूँ ज़रा। वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और जैसे ही इसने कमरे के अंदर कदम रखा एक अजीबोगरीब मंजर ने इसकी आंखें हैरत और खौफ से फैला दी। इंतहाई काले नागों का एक खौफनाक जोड़ा बच्ची के पास मौजूद था। नागन ने अपना मुंह खोलकर इस बच्ची के मुंह के साथ लगाया हुआ था और कुछ इस तरह से चिपकी हुई थी जैसे कोई खास अमल कर रही हो। बस जंगी ने महसूस किया कि बच्ची के अंदाज में कोई तकलीफ का एहसास नहीं था। नागन उसके मुंह से अपना मुंह लगाए पता नहीं अपना जहर उसके मुंह में उतार रही थी या फिर बच्ची की सांसों को अपनी सांसें दे रही थी। बजरंगी एक लम्हे खड़ा रहा। आज से पहले उसने कभी शीशनाक के इस बुत के पास आसपास किसी नाग को नहीं देखा था, लेकिन इंतहाई जहरीले काले नागों का ये जोड़ा आज पहली बार इस मुजस्मे के पास न जाने क्या पुरसरार अमल कर रहा था। हो सकता है नागन के जहर से बच्ची भी चंद लम्हों के अंदर मर जाए, लेकिन उसने इस अमल में कोई दखल नहीं दिया और कुछ लम्हे के बाद वहाँ से वापस पलट आया। उसका जहन बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। वैसे तो जिंदगी में बहुत से अनोखे वाकयात से पाला पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था नाकाबले फहम था। वो बुरी तरह चकराया हुआ था। आखिरकार इसने मंदिर के आसपास के दरख्तों से उष्क टहनियाँ तोड़ना शुरू कर दी और कई घंटों की शदीद मशक्क़त के बाद जहाँ चंद्रमुखी की लाश वही थी वहाँ इसकी चीता जलाना शुरू कर दी। लकड़ियाँ पूरे बदन के गिर जमा कर इसने इनमें आग लगा दी और असीन चंद्रमुखी जिसे अपने हुस्न पर बेहद नाज था जलकर हाकसर होने लगी। देवा उधर जान दे बैठा था और चंद्रमुखी यहाँ आखिरी दौर से गुजर रही थी। थोड़े फासले पर खड़ा जोगी बजरंगी चंद्रमुखी की जलती हुई लाश को देखते हुए अपनी बहन को याद करके रो रहा था। कभी कभी इसके मुँह से सिसकी के अंदाज में राधिका का नाम निकल जाता था। शोले बुलंद होए जा रहे थे, जलते गोश्त की चिरान फैली जा रही थी और हर कार आग मध्यम पड़ती जा रही थी। बजरंगी को फिर बच्ची का ख्याल आया और वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अब वहाँ नागों का जोड़ा मौजूद नहीं था। बच्ची बड़े सुकून के साथ आंखें बंद किए शीशनाग की गोद में सो रही थी। बजरंगी आगे बढ़ा, बच्ची के करीब बैठ गया, फिर इसके मुँह से निकला, तूने तो मेरी जगह ले ली है, देवता तुझे जीता रखे। अरे कहीं तू मेरी राधिका तो नहीं जो इस तरह मेरे पास पहुँच गई है? देवता करे तू जिंदा रहे तो मैं तेरी सेवा करूँगा, राधिका की तरह ही दोबारा तुझे प्रमाण चढ़ाऊँगा। बल्कि ये तो अच्छी बात है, मेरा भी मन लग जाएगा, पर बात वही है कि देवता तुझे जिंदा रखे। वो आगे बढ़ा और फरते मोहब्बत से उसने नन्ही सी बच्ची को अपनी गोश में ले लिया। इसके बदन के नीले रंग को देखकर कई बार इसके दिल में ख्याल आया कहीं यह बच्ची भी ना के जाए से पिघल ना जाए, लेकिन बच्ची बिल्कुल खुश और हड़म थी। अब इसकी खुराक का मामला था तो बजरंगी दूध लाया था। इसे दूध निकाल कर एक बर्तन में लिया और फिर थोड़े से
कपड़े को बत्ती की शक्ल में बना लिया और दूध में डुबोकर बच्ची के मुंह में रख दिया। इस तरह इसने खुराक का मसला भी हल कर लिया था। बच्ची की आंखें भी अपना खूबसूरत थी, वैसे तो इसकी पूरी शक्ल ही हसीन थी, लेकिन आंखों को देखकर यह अंदाजा होता था जैसे इसमें अफाकी कशिश हो। बच्चा बहुत खुश रहने लगा था। खंडर के इस उदास पुरसरार माहौल में ये दो इंसान देखने वाले के लिए इंतहाई हैरतनाक थे। एक दिन बजरंगी ने देवा का सूखा हुआ पिंजर भी देख लिया था। इसे थोड़े फासले पर घोड़े का पिंजर भी था जो तकरीबन गालकर ख़त्म हो चुका था। तब इसे औरत के यहाँ आमद के इशार मालूम हो गया, लेकिन यह बात किसी भी शक्ल में पता ना चल सकी वो कौन थे और यहाँ क्या करने आए थे। बजरंगी ने इसे बुला दिया था। अब इसकी ज़िंदगी में बस दो ही काम थे, बच्चे की परवरिश, शीशनाग को झुकाने का मंत्र। बहुत वक्त गुजर गया। बजरंगी ने दर्जनों बार ये देखा था कि काया नाव का ये जोड़ा जिन्हें इसने पहली बार बच्ची के गिर देखा था अक्सर बच्ची के पास आ जाया करते थे, बल्कि एक बार बजरंगी किसी काम से बाहर गया था, वापस आया तो इसने देखा नागन कुंडली मारे बैठी थी। नाग अपनी दो शाखा जुबान से बच्ची के पांव चाट रहा था। जैसे ये नागों का जोड़ा बच्ची का मुहाफ़िज बन गया था। सामान वगैरह लेने के लिए बजरंगी को बस्ती जाने की ज़रूरत पेश आ गई। वो परेशान हो गया, वो सोचने लगा कि बच्ची को साथ लेकर जाए, बस्ती से सामान वगैरह ले आए। लेकिन जब इस इरादे से वो अपने कमरे में पहुँचा तो इसने देखा कि नागन पहले की तरह बच्ची को अपनी कुंडली में लिए बैठी हुई है और नाग इसके आसपास मंडला रहा है। बजरंगी कुछ लम्हों तक सोचता रहा, फिर इसने कहा, क्या तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो? नाग बच्ची के सामने तनकर खड़ा हो गया। बजरंगी कुछ सामान लाने में काफ़ी वक्त लग सकता था, फिर भी इसने तजुर्बे के तौर पर खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया और बस्ती चल पड़ा। बस्ती में बहुत से लोगों से उसकी जान पहचान हो गई थी। वो कुछ ऐसी चीज़ें ले जाया करता था जिन्हें बस्ती में फरोख्त करके वो साजो सामान इकट्ठा करता था। इस बार भी वो ऐसा ही सामान लेकर गया था, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहा था कि नाचने वालों का एक जोड़ा नजर आया जो नाच गाकर पैसे कमा रहे थे। मर्द ने एक औरत को सतरानी के नाम से मुखातिब किया तो बजरंगी को यह नाम इतना पसंद आया कि सदन में फैसला कर लिया कि बच्ची को मैं सतरानी का नाम दूंगा। जब वो वापस आया तो बहुत से वसवसों का शिकार था, लेकिन उसने देखा कि बच्ची आराम से मंदिर के बिरूनी हिस्से में पत्थर की एक सील पर लेटी हुई थी और बहुत से नाग उसके गिर्द खेल रहे थे। बच्ची ने अपनी मुट्ठी में एक नाग को दुबाया हुआ था और हंस रही थी। बजरंगी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऊपर वाले तेरे खेल निराले हैं, पता नहीं इसके शरीर में मेरी राधिका की आत्मा है जो मुझे इसे इतना प्रेम हो गया था। वो क्या ही अच्छी बात है कि नाग इसे पाल रहे हैं। चलो नाग देवता जी, मेरी मुश्किल थोड़ी सी कम हो गई है। बजरंगी अपनी लगन में शीश नाग को ही अपना देवता मानता था और इसकी सेवा करके मंत्र पढ़ के उसे जगा रहा था। यूँ बहुत से दिन गुजर के एक दिन उसने एक अजीब तमाशा देखा। सतरानी को इसने एक बर्तन में दूध पिलाया था। थोड़ा सा दूध जो इसके पीने से बच गया था इसने एक बर्तन में डालकर एक तरफ रख दिया था कि कोई जानवर इसे पी लेगा, लेकिन दूसरे दिन जब उसने बर्तन के आसपास देखा तो इसे 8 चूहे मरे हुए दिखाई दिए थे। बर्तन का दूध खत्म हो गया था लेकिन चूहों के नीले बदन आसपास पड़े थे। बजरंगी की आंखें हैरत से पैर गई। ये सतरानी का झूठा दूध था जो चूहों ने पिया था और चूहे इस तरह मर गए थे। उसके बदन से भी नीले रंग का पानी बह रहा था। बजरंगी को याद आ गया कि नागन आमतौर से सतरानी के मुँह लगाए कोई अमल करती रहती है और एक बात और भी देखी थी बजरंगी ने कि वो ये कि सतरानी के बदन की नीलाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और इसकी जगह एक इंतहाई चमकदार सफेदी दे रही है। वैसे ये छोटी सी बच्ची जिन आला तरीन खसूसियात की कामिल थी, बजरंगी ने इतनी उम्र किसी बच्ची को नहीं देखा था। ये खौफनाक तजर्बा उसके लिए बड़े सेंसरी हेज का बाइस था।